हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूर मोगरी यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दीक्षा। तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे ज्योग्राफी के एमसीक्यूज। तो आज हमारा सेट नंबर 6 है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, हमारे जो पहले क्वेश्चन में है, इसमें हमने कुछ टाइप की ना सॉइल की प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, और यहाँ से हमें पहचानना है कि कौन सी सॉइल के बारे में बात की गई है। पहले में बोला गया है कि इसमें लाइम एंड सिलिका बहुत ज़्यादा एब्सेंट होता है, ठीक है, इसमें लाइम एंड सिलिका नहीं होता है। सेकेंड में बोला गया इसमें ह्यूमस भी बहुत कम होता है, ह्यूमस कंटेंट इज़ वेरी लो। थर्ड में बोला गया इसमें ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन फॉस्फेट कैल्शियम पुअर होता है, यानी कि बहुत कम होता है। एंड अगर हम इस सॉइल के बारे में बात करें तो इसमें आयरन एंड पोटैश बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सी सॉइल है? रेड एंड येलो सॉइल, एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल या सेलाइन सॉइल्स? तो ये देखिए, इसका आंसर है लेटराइट सॉइल्स। ये हमने पहले किसी सीरीज़ में डिस्कस भी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे लीचिंग की वजह से क्या होता है कि जो लाइम एंड सिलिका है वो एब्सेंट होता है, वो लीच अवे हो जाता है। एंड देखिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट भी लो होता है। ताकि यहाँ पे हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड कैल्शियम काफ़ी कम मात्रा में होता है, रीज़न उसका वही होता है, लीचिंग अवे ऑफ द सॉइल। तो ये भी हमारा सही है, बट क्या होता है, लीचिंग की वजह से आयरन एंड पोटैश आर लेफ्ट अवेलेबल, यानी कि आयरन एंड पोटैश बच जाता है, बाकी और जो अदर मिनरल्स होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ भी करेक्ट है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट्स देखिए करेक्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि किस ये सॉइल के बारे में बात करी गई लेटराइट सॉइल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो कन्वेंशनल रेनफॉल रिसीव करते हैं। सेकेंड में बोला गया है, अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स का ओरिजिन देखें तो दे आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन, यानी वॉल्केनोस से फॉर्म हुए हुए हैं। थर्ड में बोला गया है, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो पूरे जो आइलैंड्स हैं वो सारे कोरल डिपॉजिट से बने हुए, यानी कि कोरल से बने हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें देखना स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि अंडमान एंड निकोबार में कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। देखिए, कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे जो एयर होती है वो बहुत लाइट हो जाती है, तो वो क्या होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ करंट्स वो ऊपर को फ्लो कर जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ऊपर जाके ना यहाँ पे क्लाउड्स जो फॉर्म्स होते हैं, और उसके बाद ऊपर जब एकदम से टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, कंडेंसेशन होता है, तो उस फॉर्म में वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है। इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल इन द शॉर्ट अगर हम बात करें, दैट आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल करेंट्स, वो होती है कन्वेंशनल रेनफॉल। सेकेंड में देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि अंडमान एंड निकोबार के कुछ आइलैंड्स जो हैं वो तो वॉल्केनिक इन ओरिजिन है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे माना जाता है कि मोस्टली जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो है एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेंस। अब देखिए, सबमरीन माउंटेंस यानी कि ओशन के अंदर भी कुछ माउंटेंस होती हैं, तो जब वो पानी से बाहर वो एलिवेट हो जाती है, दिखने लगती हैं, तो वो कुछ आइलैंड्स बन जाती हैं। तो माना जाता है कि कुछ जो है वो वॉल्केनिक इन ओरिजिन है, बाकी की रिमेनिंग जो है वो सबमरीन माउंटेंस का ही पार्ट है। थर्ड में यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है कि देखिए, एंटायर लक्षद्वीप जो है वो कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है। तो यानी कि हमारे स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, 1 एंड 3 आंसर हो गया ए। थर्ड स्टेटमेंट देखने, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट दिया है, ठीक है। इसे पहले स्टेटमेंट बोला गया चिनूक जो है ये हॉट विंड है जो विंटर्स में ब्लो करती है। देखिए, याद रखना है कि हॉट विंड है और विंटर्स में ब्लो करनी है, इस वजह से विंटर्स में क्या होता है, इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। सेकेंड में बोला गया है, इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो स्नो है वो मेल्ट होने लग जाती है, जिसकी वजह से पैस्चर लैंड अवेलेबल होती है फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। अब देखना है, देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जो चिनूक है वो आपको याद रखना है कि हॉट विंड है, विंटर्स में ब्लो करती है, विंटर्स में हॉट विंड ब्लो करेगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होगा, राइज हो जाएगा। सेकेंड में बिल्कुल सही है, टेम्परेचर राइज होने की वजह से स्नो मेल्ट हो जाएगी एंड इसकी वजह से जो अवेलेबल लैंड है वो अवेलेबल हो जाएगी फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए आंसर हो गया नन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था इनकरेक्ट। वेल्स के बारे में देखेंगे, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट दिया है। पहले में बोला गया है, जो वेल्स होते हैं ये साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनको हम वेल्स कहते हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, प्रेरीज कहाँ पे होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सेकेंड में बोला गया, जो वेल्स हैं ये रोलिंग प्लेटूज हैं, और इनकी अगर हम हाइट देखें तो इनकी हाइट 600 मीटर से 1100 मीटर तक होती है। थर्ड में बोला गया है,
ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स इनके वेस्ट में है एंड ईस्ट में देखें तो कालाहारी डेजर्ट से बाउंडेड है एंड डी ए नन। तो देखिए फर्स्ट में बिल्कुल सही है कि जो साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनको हम वेल्ड्स कहते हैं। सेकंड भी सही है कि इनके एवरेज हाइट 600 मीटर से 1100 मीटर्स होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए जो वेल्ड्स हैं ये इनके वेस्टर्न साइड पे कालाहारी डेजर्ट है एंड ईस्टर्न साइड में है ड्रेकेनबर्ग माउंटेन, तो इसलिए ये गलत हो गया। आंसर है हमारा सी। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहले में बोला गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल रीजन 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में। सेकंड में बोला गया है गंगा का जो, देखिए गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो है इनमें क्या क्या है, प्लेन्स है, माउंटेन्स, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस एंड ऑल्सो सुंदरबन डेल्टाज, ये सारे क्या है इस बेसन के फीचर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो है लेकिन 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ, ना कि 25 डिग्री, इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्लेन्स एंड माउंटेन्स एंड सुंदरबन डेल्टाज आर द फीचर्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन, तो आंसर इसका हो गया ओनली टू। यहाँ पे देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, रिवर इंडस जो है उसकी फ्रेश वाटर में और या उसकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज जैसे ब्यास, रवि, चेनाब जो हैं इनमें एक टाइप की डॉल्फिन पाई जाती है जिसको हम सुसु बोलते हैं। सेकंड में बोला गया है जो सुसु है वो जिस रिवर में पाई जाती है उसकी वजह से हम ये मानते हैं कि हाँ ये रिवर हेल्दी है। अब हम इसे डिस्कस करेंगे क्यों। देखिए पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर वो रॉन्ग दिया है, क्योंकि देखिए रिवर इंडस में नहीं, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड गंगा रिवर एंड उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके पानी में जो रिवर, उनके रिवर में जो डॉल्फिन्स पाई जाती है उनको हम सुसु बोलते हैं। सेकंड में बोला गया है देखिए क्या होता है कि जो केमिकल्स, अनट्रीटेड केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से आजकल आप देखेंगे जो नदियाँ हैं वो ज़्यादा पल्यूट हो गई हैं, इस वजह से जो सुसु रिवर है, इस सुसु डॉल्फिन है, इसको हम ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। तो इस वजह से अगर किसी रिवर में सुसु पाई जाती हैं, ज़्यादा देखने को मिलती है, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये रिवर हेल्दी है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, आंसर है टू ओनली। थर्ड क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले में बोला गया जो ग्रेट हिमालयाज है वो फोल्ड माउंटेन्स हैं एंड एसिमेट्रिकल इन नेचर, ठीक है। सेकंड में बोला गया अगर हम हिमालयाज का कोर देखें तो वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। थर्ड में बोला गया है ये इट इज़ पेरिनियस स्नो बाउंड, पेरिनियस स्नो बाउंड मतलब पूरे साल यहाँ पे स्नो रहती है एंड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ग्लेशियर्स यहाँ पे हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है सियाचिन ग्लेशियर। एंड डी में बोला है नन। तो देखिए अभी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि जो ग्रेट हिमालयाज है दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। सेकंड भी सही है कि जिसका कोर है वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा नन। यहाँ पे देखना है पूर्वांचल जिसको हम ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले में बोला गया हिल्स की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वो द हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कम्पोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन एंड विच आर सेडिमेंटरी रॉक्स। यानी कि जो नदर्न स्टेट्स में जो हिल्स है, यानी कि ईस्टर्न हिल्स जो हैं वो किस चीज़ से बनी हुई है, वो सैंड स्टोन से बनी हुई है एंड मोस्टली ये कौन से है, सेडिमेंटरी रॉक से बनी हुई है। सेकेंड में बोला गया यहाँ पर काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है एंड दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज, सो ये पैरेलल रेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड में बोला गया है अगर हम पूर्वांचल हिल्स के बारे में बोले तो यहाँ पे कौन कौन सी हिल्स से बन के पूर्वांचल हिल्स बनी हुई है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो देखिए द फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि मोस्टली जो ईस्टर्न हिल्स है दे आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेकेंड में भी करेक्ट है, डेंस फॉरेस्ट है एंड मोस्टली यहाँ पे पैरेलल रेंजेस हैं। थर्ड भी करेक्ट है कि यहाँ पे पूर्वांचल हिल्स जो है वहाँ पे कौन कौन सी हिल्स है, पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है एंड मिजो हिल्स है, तो आंसर इसका होगा डी, ऑल आर करेक्ट। देखना है यहाँ पे इस कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में बोला गया वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है, ठीक है, वो कैसे कैसे इंक्रीज होती है, जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की टूवर्ड्स मूव करेंगे वैसे वैसे वेस्टर्न घाट्स की हाइट बढ़ती जाती है। सेकेंड में बोला गया जो ईस्टर्न घाट्स है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, महानदी वैली से नीलगिरी इन द साउथ। थर्ड में बोला गया ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो डिसकंटिन्यूस हैं एंड इरेगुलर हैं
एंड ऑल्सो डिसेक्टेड बाई रिवर्स ड्रेनिंग इन टू द बे ऑफ बंगाल। डी में बोला गया वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक रेन होती है बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब देखिए, हमने जब रेन शेडो जोन के बारे में बात की थी, मैंने आपको माउंटेन्स बताया था जिसमें देखिए जो वो एयर होती है वो हिल्स में मूव करती है, ठीक है, एयर दैट हैज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर। तो क्या होता है कि सडनली टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जब फॉल हो जाता है तो प्रेसिपिटेशन होती है, तो ये इसको हम बोलते हैं ऑरोग्राफिक रेन, ठीक है। अब देखने स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है, तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आप अगर नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ मूव करते हैं, अगर नॉर्थ से आप साउथ की तरफ जाएंगे तो जो होता है वेस्टर्न घाट्स की हाइट इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप साउथ से नॉर्थ को मूव करेंगे तो डिक्रीज़ होती है, इसलिए हमारा आंसर उसका हो गया ए। बाकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जो ईस्टर्न घाट्स है वो महानदी वैली से नीलगिरी तक फैले हुए हैं। थर्ड भी बिल्कुल सही है कि ईस्टर्न घाट्स में आपको डिफरेंट रिवर्स देखने को मिलेंगी एंड यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर हैं। एंड डी भी सही है कि वेस्टर्न घाट्स में ऑरोग्राफिक रेन होती है, तो आंसर इसका हो गया हमारा ए। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको मेरे को ये बताना है कि वेस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक कौन सी है एंड ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखना है कि ओशन की जो सैलिनिटी है यानी कि ओशन में जो सॉल्ट होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता है। इवेपोरेशन, इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश रिवर वाटर्स, ओशन करेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन सी सर्फेस, प्रेसिपिटेशन एंड विंड। तो देखिए सारे फैक्टर्स हैं, देखिए अगर हम कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे इवेपोरेशन है, ठीक है, ये कई ओशन है, यहाँ पे इवेपोरेशन होगा तो आधा से ज़्यादा जो पानी वो इवेपोरेट हो गया तो रिमेन क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, तो ऐसे ओशन में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा। इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश रिवर, जहाँ पे फ्रेश रिवर होगी, ठीक है, पानी जहाँ पे आके ड्रेन करेगी तो वहाँ पे देखिए ये ओशन है, यहाँ पे फ्रेश रिवर आई हैं, अब यहाँ पे आई है तो फ्रेश रिवर में सॉल्ट तो नहीं होगा, तो इसलिए इस ऐसे जो सी होंगे वहाँ पे क्या होगा, सैलिनिटी कम होगी। तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये सैलिनिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, इसलिए उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो दोस्तों आज के थे हमारे 10 क्वेश्चंस, आप मेरे से अपडेटेड रहिए, हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ दिनों तक। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द